जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जयपुर वाला ब्लॉग चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सोयाबीन कैसे निकाला जाता है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये सोयाबीन को यहां पर फसल तैयार होने के बाद उनको कटाई करने के बाद एक जगह कर दिया जाता है। उसके बाद इस मशीन के द्वारा इस सोयाबीन निकाला जाता है। अब सोयाबीन निकालने के लिए बहुत बड़ा तामझाम करने की या बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर आप देखेंगे तीन लोग हैं और ये इतना सोयाबीन आप देखेंगे यहाँ पर ये निकाल चुके हैं। बहुत सारा ये सोयाबीन का आपके सामने है, 10 से 12 क्विंटल है लगभग टोटल। यहाँ पर निकलेगा तो 30 से 35 क्विंटल ये सोयाबीन निकलने वाला है। लेकिन आप देखेंगे ये छोटा सा यहाँ पर टन है जिसमें ये सोयाबीन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारे ये गुनी ये कट्टे जो भी है बोरे रखे गए हैं, इनमें भरने का काम। और सोयाबीन का ये जो है किस तरीके से इसका जो वेस्टेज है वो इस तरीके से निकल रहा है। और ये जो बंदा है ऊपर से इसके अंदर जो है मशीन के अंदर ऊपर से डाल रहा है। उसके बाद जो सोयाबीन है निकलकर यहाँ पर तैयार जो है नीचे से निकल रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर बहुत ये जो सोयाबीन है इसके उत्पादन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 89% जो है भारत के सोयाबीन उत्पादन का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य मिलकर उत्पादन करते हैं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में दोस्तों जो राजस्थान है, राजस्थान के दो ज़िले ऐसे हैं कोटा और बारा जहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। लेकिन सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य अव्वल स्थान रखते हैं। लेकिन सोयाबीन जो बड़ी होती है जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो बड़ी जो होती है सोयाबीन का वेस्टेज होती है तेल निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दाने हैं ये सोयाबीन, ये इसे ही सोयाबीन हम कहेंगे क्योंकि जो सोयाबीन की फसल है कुछ इस तरीके से बनने के बाद ये जो है तेल निकलने के लिए और अन्य कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। और ज़्यादातर सोयाबीन का तेल जो है बिकता है। सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत भी माना जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ये जो श्रमिक लगे हुए हैं कुछ यहाँ पर 3 से 4 घंटे से रेगुलर ये वर्क कर रहे हैं और इन्होंने लगभग 10 क्विंटल के लगभग ये सोयाबीन निकाला है। और अभी 10 से 15 क्विंटल सोयाबीन निकलना बाकी है जो इसका जो आप ढेर देख रहे हैं ये इतना। तो उम्मीद करता हूँ आप सोयाबीन के बारे में समझ पाए होंगे। और बहुत सारे लोग जो थे रियल में सोयाबीन बड़ी को ही सोयाबीन मानते थे लेकिन ये सोयाबीन है आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।